हेलो एंड वेलकम टू क्रिक मैच। दोस्तों आज हम वीमेन क्रिकेट का सैलरी कंपैरिजन करने वाले हैं। इसमें हम क्रिकेट के जो बिग थ्री हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, इन तीन कंट्रीज की वीमेन क्रिकेट का सैलरी कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनको जो पैसा मिलता है उसकी बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैच फीस कितनी मिलती है किसी भी बोर्ड ने अभी तक रिवील नहीं किया है, तो ये जानकारी हमारे पास अभी नहीं है। जैसे ही मिलेगी इसका भी हम वीडियो आगे बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, जो इंडियन वीमेन्स के लिए है। इसमें BCCI ने इंडियन वीमेन्स को तीन ग्रेड में बांटा हुआ है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। तो यहाँ पे जो पेमेंट होगा, ग्रेड ए में 50 लाख INR में होगा, ग्रेड बी में 30 लाख INR में होगा, ग्रेड सी 10 लाख INR में होगा। अगर मेंस क्रिकेट से हम कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पेमेंट में। मेंस क्रिकेट चार ग्रेड्स में डिवाइड है, जहाँ पे ग्रेड ए प्लस बी एक एक्स्ट्रा है, जहाँ पे INR 7 करोड़ मिलता है ग्रेड ए प्लस में। ऐसे ही अगर हम ग्रेड ए की बात करें तो वहाँ पे 5 करोड़ है, ग्रेड बी वहाँ पे 3 करोड़ है, ग्रेड सी है जो वहाँ पे 1 करोड़ है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पेमेंट में मेंस क्रिकेट और वीमेंस क्रिकेट में। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते रहते हैं इस बात पर कि इक्वल पे होना चाहिए या फिर कुछ रेशियो में रहना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। अब हम बात करते हैं ग्रेड ए में जो इंडिया के प्लेयर्स हैं वो हैं हरमनप्रीत कौर, स्मृति मानदाना और पूनम यादव। ये तीन प्लेयर ग्रेड ए में हैं जिनको 50 लाख INR मिलता है। इससे पहले मिताली राज भी ग्रेड ए में हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि वो T20 फॉर्मेट नहीं खेलती हैं इस वजह से उनको ग्रेड बी में शिफ्ट किया गया है। ग्रेड बी के जो प्लेयर्स हैं वो आप देख सकते हो यहाँ सामने, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, दीप्ति शर्मा, पूनम राउत, राजेश्वरी गायकवाड़, शेफाली वर्मा, राधा यादव, शिखा पांडे, तान्या भाटिया और जेमिमा रोड्रिक्स। यहीं पर अगर हम ग्रेड सी प्लेयर्स की बात करें तो इसमें मानसी जोशी, अरुंधति रेड्डी, पूजा वस्त्राकर, हरलीन देओल, प्रिया पूनिया और ऋचा घोष, जो कि नई एंट्री हैं इस बार ग्रेड सी में। और जो प्लेयर्स रिटेन नहीं किए गए हैं वो हैं एकता बिष्ट, वेदा कृष्णमूर्ति, अनुजा पाटिल और डायलन हेमलता। ये जो चार प्लेयर्स हैं इनको रिटेन नहीं किया गया है। तो ये है BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जो विमेंस के लिए बनाई गई है। दोस्तों BCCI एक इकलौता क्रिकेट बोर्ड है जिसने विमेंस की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है उसका जो पे आउट है उसको पब्लिक किया हुआ है। बाकी किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने विमेंस क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो पे आउट है उसको पब्लिक नहीं किया हुआ है। तो ये एक बड़ी बात है कि एक बोर्ड ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा पे आउट शो कर रहा है पूरे वर्ल्ड को। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो विमेंस का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है वो किस तरीके से बनाया है, जिसमें उन्होंने 15 प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने कोई ग्रेड्स में डिवीजन नहीं किया हुआ है। यहाँ पे 15 प्लेयर्स को सिमिलर अमाउंट मिलेगा। जो कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं उनमें कुछ एडिड बोनस होता है जो कि 25% तक रहता है। बाकी इनका जो पे आउट है वो सबसे ज़्यादा है विमेन क्रिकेट में। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो पे आउट है वो 1 करोड़ INR होता है और वो सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड क्रिकेट में। और इनके जो 15 कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उन सभी को इक्वल अमाउंट दिया जाता है, और जो कैप्टन वाइस कैप्टन होता है उनको कुछ परसेंटेज बोनस दिया जाता है। लेकिन दोस्तों क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये पब्लिक डोमेन में नहीं किया हुआ है कि उनका कितना पे आउट जाता है विमेंस क्रिकेट को। ये कुछ वेबसाइट और सोर्सेस के थ्रू ये न्यूज़ है कि इतना पे आउट ऑस्ट्रेलिया देता है जो कि सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड क्रिकेट में। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया की लिस्ट। तो ऑस्ट्रेलिया के जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनकी ये लिस्ट आप देख सकते हैं। निकोला कैरी, एस गार्डनर, रैशल हाइंस, एलिसा हीली, जेस जोनाशन, केमिंस, मैगलैनिंग, टाहिला मैकग्राथ, सोफी बेथ मूनी, एलिस पेरी, मैगन शूट, अनाबेल सदरलैंड, टाइला एंड जॉर्जिया बैरम। ये 15 प्लेयर्स हैं जिनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वीमेन कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में रखा हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं इंग्लैंड वीमेन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। दोस्तों ECB ने 17 प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, और ECB का जो पे आउट बनता है सभी प्लेयर्स के लिए वो इक्वल बनता है। वो जो पे आउट का अमाउंट है वो है 48.9 लाख INR में, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स में, जो ऑस्ट्रेलिया से आधा है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया के जो ग्रेड ए के प्लेयर्स हैं सिर्फ उनको इससे ज़्यादा मिलता है। तो वहाँ पे एवरेज अगर निकाला जाए तो इंग्लैंड का भी इंडिया से अच्छा है। लेकिन ये जो पे आउट है ये पब्लिक डोमेन में नहीं है दोस्तों। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरह ECB ने भी इसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा है। ये कुछ सोर्सेज और वेबसाइट के थ्रू लिया गया डेटा है, जहाँ पे कुछ विमेन क्रिकेटर्स ने रिवील किया इस चीज़ को। तो वहाँ से जो फिगर निकल के आया है वो यही है कि 48.9 लाख INR में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पे आउट देता है विमेंस क्रिकेट को, जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है। जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं वो लिस्ट आपको सामने दिख रही है दोस्तों।
टेमी बीमाउंट, कैथरीन ब्रिंटकैट, क्रॉस, फ्रेया डेविस, सोफिया डंकली। सोफिया डंकली एक न्यू इंक्लूजन है इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। बाकी आप देख सकते हैं सोफिया एक्लेस्टॉन, जॉर्जिया एल्विस, सारा ग्लेन, केटी जॉर्ज, हेदर नाइट जो कि इनकी पुरानी कैंपेनर हैं, काफी समय से खेल रही हैं, एमी जोन्स, नेट सीवर, आन्या सर्पसोल, मैडी ब्लियर्स, फ्रैन विल्सन, लॉरेन डेनी व्याट। तो ये सारे प्लेयर्स जो 17 प्लेयर्स हैं ये इंग्लैंड वुमेन के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने तीन देशों का, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का कंपैरिजन किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है, उसके बाद आप कह सकते हो इंग्लैंड है अगर एवरेज मिला के देखा जाए तो, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर इंडिया आ जाएगा। बाकी जो देश हैं जैसे न्यूजीलैंड में भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है और साउथ अफ्रीका में भी है, बाकी पाकिस्तान बांग्लादेश में भी है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम पे आउट है, मेंस क्रिकेट में काफ़ी कम है, तो वीमेन क्रिकेट में तो और ही कम होगा। और इन बोर्ड्स ने भी रिलीज नहीं किया हुआ है, पब्लिक डोमेन में इनका भी नहीं है, तो इस वजह से उनकी जानकारी हमारे पास नहीं है। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं किस तरीके से वीमेन क्रिकेटर पैसा कमाते हैं। मेंस क्रिकेट का सैलरी कंपैरिजन हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ये हमने वीमेन क्रिकेट के लिए स्पेशली बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम आगे आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।